हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पत्रकार दुरसिंह राजपुरोहित की अवैध गिरफ्तारी के मामले में हाईकोर्ट ने किया बिहार सरकार को नोटिस जारी। बाड़मेर के पत्रकार दुरसिंह राजपुरोहित की विवादास्पद अवैध गिरफ्तारी के मामले में पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी किए हैं। दुर्गेश सिंह नामक व्यक्ति के विरुद्ध अनुसूचित जानकारी के तहत दर्ज की गई शिकायत, जिसमें कहा गया था कि दुर्गेश सिंह द्वारा शहर पटना में अपने पत्थरखान के व्यवसाय में कार्यरत एक श्रमिक के साथ मारपीट एवं जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए दुर्व्यवहार किया गया था। पिछले पंद्रह वर्षों से अधिक समय से पत्रकारिता कर रहे पत्रकार दुर सिंह को गैरकानूनी गिरफ्तारी व मूलभूत अधिकारों से हनन करते हुए एवं भारतीय घटना संहिता का उल्लंघन करते हुए गिरफ्तार कर बाड़मेर शहर से पटना ले जाया गया और दिनांक 21 अगस्त 2018 को बेऊर केंद्रीय जेल में कैद किया गया। पत्रकार दुर सिंह राजपुरोहित के अधिवक्ता विपुल सिंघवी ने जानकारी देते हुए बताया कि बाड़मेर के पत्रकार श्री दुर्ग सिंह राजपुरोहित की जो गैर कानूनी गिरफ्तारी अगस्त 2018 में बाड़मेर पुलिस द्वारा की गई थी, उस गैर कानूनी गिरफ्तारी को मैंने पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दी है, क्योंकि वो एक कंप्लेंट के बेसिस पर की गई थी, जो कंप्लेंट किसी दुर्गेश सिंह के विरुद्ध दर्ज की गई है। मैंने अपनी याचिका में ये कहा है कि जिन दो दिनों की घटना और ऑफेंस बताया गया है, उस दोनों दिनों पर दुर्ग सिंह राजपुरोहित शहर बाड़मेर में मौजूद थे, ना कि पटना में, और जो कंप्लेन दर्ज की गई है वो श्री दुर्गेश सिंह के विरुद्ध दर्ज की गई है, ना कि दुर्ग सिंह राजपुरोहित के विरुद्ध। मैंने अपनी याचिका के अंदर दुर्ग सिंह राजपुरोहित द्वारा जो निर्भीक पत्रकारिता बाड़मेर शहर में की गई और बिहार के पूर्व राज्यपाल के विरुद्ध भी जो खबरें छापी है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसके तहत दुर्ग सिंह की गिरफ्तारी हुई है और बिहार पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार को नोटिस जारी करते हुए स्पेशल कोर्ट का सारा रिकॉर्ड तलब किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि दुर्ग सिंह राजपुरोहित को न्याय मिलेगा। बाड़मेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।